Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. इस वक्त हम चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के सिविल लाइन पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और ये आप देखिए यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा यहाँ पर वोट डालकर निकले हैं। सर निशान दिखा दीजिए एक बार, ये देखिए अपने मत का इन्होंने इस्तेमाल किया है। और क्या प्रेरणा आपको सुबह सुबह मिली वोट डालना है जाने के लिए? देश में 5 साल बाद ही तो देश के प्रति हम को एक काम करते हैं ना, वही अगर नहीं करेंगे तो हमारा अपराध होगा। वोट नहीं डालना एक अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। क्या अपने अंदाज में आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगे वो बाहर निकलें वोट करें? एक ही है, जब अपने भविष्य की बात होती है तो आप मारे मारे फिरते हो, जब देश के भविष्य की बात आती है तो घर में क्यों बैठ जाते हो? आपको शर्म नहीं आती घर में बैठ करके? आप कहीं टूरिंग पर चले जाते हैं, इन दिनों 3-4 दिन की अधिकांश बड़े लोग टूर पर चले गए, पिकनिक मनाने चले गए, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। पत्नी का आप जिक्र कर रहे थे तो वो लेकर आए आपको वोट करने? हाँ, वो आइए वोट डालने। एनसीजे कैंसर पेशेंट फिर भी आइए। और गर्मी बहुत है, पसीने पसीने हम सब हो रहे हैं, इसके बावजूद भी ऐसा ना हो कि लोग एसी में ही बैठे रहें और वोट करने ना आए, क्या आप लोगों को ऐसा संदेश देना चाहेंगे? आपको गर्मी लग रही है लेकिन मुल्क को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो चुना जाए और जो आपको जिंदगी भर के लिए तड़फ दी जाए, उससे बेहतर है एक दिन की गर्मी भी बर्दाश्त कर लो। क्या मुद्दे हैं देश में? देश में मुद्दे ही मुद्दे हैं, जिसको जो चाहे वो कुछ भी ले ले। देश में सबसे बड़ा मुद्दा तो दो ही अपराध है देश में, एक तो पॉलिटिकल पॉल्यूशन है, हाँ, एक पॉपुलेशन का पॉल्यूशन है। जो भी सरकार आए पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जाएगी, सारी बीमारियां सारे चीजें सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि हमारी जनसंख्या मुल्क की एसेट साइड में नहीं लिखी जा रही, लाइबिलिटी साइड में लिखी जा रही है। देश की जनता सेट साइड में लिखी जाएगी, उस दिन मुल्क तरक्की करेगा। आपने ये भी कहा कि उम्मीदवार को देखकर वोट करना चाहिए। मैं तो शुरू से कहता हूँ, हमारा अपराध शुरू से रहा, हमने पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जाहिर है कि जिस अंदाज में सुरेंद्र शर्मा अक्सर लोगों को हंसाते नजर आते हैं, उसी अंदाज में लोगों से अपील कर रहे हैं घर से बाहर निकले, गर्मी की चिंता ना करें और वोट जरूर डालें। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली।